किसी किसी बच्चे को बहुत शौक भी होता है योगा करने का और वो करता भी है ना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देंगे अपनी इस चैप्टर के। उससे पहले तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ये अगर आपको कंबाइंड पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों इन्वॉल्व हैं, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। एंड वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। थर्ड, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, आई कंडक्ट रेगुलर सीरीज देयर। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द थ्री प्लेटफॉर्म्स एंड लेट्स बिगिन आवर चैप्टर योगा विदाउट एनी देरी। अच्छा भाई, योगा का क्या मतलब होता है? ये ना एक संस्कृत वर्ड होता है जो कि युज से आया है। युज का क्या मतलब होता है? यूनियन, यानी कि जुड़ना। किसका जुड़ना? आत्मा का, परमात्मा से जुड़ना, वो होता है योगा, है ना। अब योगा जो है उसकी वजह से हम फिजिकली भी फिट रहते हैं और हमारा मेंटली भी बैलेंस बना रहता है। इसके अंदर आसन होते हैं, मेडिटेशन होता है, ब्रीथिंग टेक्निक होती है, हमारे मसल्स जो है बढ़िया स्ट्रेंथ रहते हैं उसमें, और हम जो है स्ट्रेस से रिलीव हो जाते हैं, ठीक है, हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं आता है। योगा का मेन मकसद क्या है कि एक साउंड बॉडी और साउंड माइंड हो, मतलब अच्छी बॉडी और अच्छा माइंड हो। योगा की वजह से हम खुद को पहचान पाते हैं, खुद को परफेक्ट कर पाते हैं, खुद को प्योर कर पाते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन हमें हो पाता है, ठीक है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? हमारी हार्ट के लिए अच्छा है, ऑर्गन सारे अच्छे रहते हैं और प्री मेच्योर एजिंग से हम बचते हैं, पोस्चर अच्छा रहता है, हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है, स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बीपी जो है वो कम हो जाता है, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस से रिलीव मिल जाता है, बैक पेन से हमें राहत मिलती है, ब्लड शुगर लेवल लोअर हो जाता है, बैलेंस की सेंस जो है वो इंप्रूव हो जाती है, बोन्स मजबूत हो जाती हैं, हेल्दी वेट होता है और बहुत सारी डिसीज़ का रिस्क जो है वो लोअर हो जाता है, ठीक है। अष्टांग योगा क्या होता है? देखो, अष्टांग मतलब होता है आठ स्टेप एक अच्छी लाइफ के लिए, वो होती है अष्टांग योगा। अष्टांग मतलब कि एट लिम्स, लिम्स यानी कि हाथ पैर, अष्ट मतलब आठ और अंग मतलब लिम्स यानी कि लेग और आर्म, है ना। एक मतलब ये आठ स्टेप है जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो बहुत अच्छी हो सकती है। इसका फोकस क्या है अष्टांग योगा का? कि हम जो है मोरल पे फोकस करें, अच्छी आदतें हमारे अंदर बने, सेल्फ डिसिप्लिन लाए, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हम जो स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, जो पहले चार स्टेजेस हैं पतंजलि अष्टांग योगा के, वो जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम जो है अपनी बॉडी को मास्टर कर पाएँ, हमारे अंदर एनर्जीज आने लग जाएँ, और इस पहले चार स्टेप इसके इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। और जो अगले चार स्टेप है वो जो है हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंसेज होते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, माइंड के ऊपर काम करते हैं और एक हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ हम चले जाएँ, वो आगे के चार स्टेप होते हैं। तो बेसिकली पाँच ये और आठ ये, ठीक है। तो ये आठ स्टेप्स कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं? सबसे पहले होती है यामा। यामा यानी कि एब्सटिनेंस। इसमें क्या होता है कि हम जो है मोरल गाइडलाइंस, मतलब सबके साथ अच्छा अच्छा करें, अच्छा बिहेव करें, ठीक है, सोसाइटी में, और जो है सोसाइटी के साथ एडजस्ट करें और उसके प्रिंसिपल्स को, बेनिफिट्स को हम इन्जॉय करें, है ना। इसमें बेसिकली क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं सोसाइटी में, कि हम किसी को हार्म ना पहुँचाएं, हम सच बोलें, चोरी ना करें और सेंसेस का यूज़ करें और ज़्यादा पॉजिटिव ना हो कि ऐसे क्यों कर रही है, मतलब ज़्यादा ओके हो रहे हैं सोसाइटी के साथ, ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज़ नियम, यानी कि ऑब्जर्वेंसेज। इसमें हम क्या करें, खुद को प्योर करें, डिसिप्लिन लाएं अपनी बॉडी में और हेल्दी रहें। इसमें क्या होता है, हम खुद को क्लीन करें, हमारे अंदर संतोष होना चाहिए जो भी हमारे पास है, तप करना चाहिए हमें, ठीक है, और हमें जो है अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए और गॉड को सरेंडर करना चाहिए कि जो भी है आपके लिए ही है, ठीक है। आसन यानी कि योगा पोस्चर। तीसरा स्टेप है कि हम जो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, एक्टिव रहें, बॉडी को फिट रखें और सारी पोजीशन में हमें जो है योगा करनी चाहिए, जैसे खड़े होके, बैठ के और लेट के भी, ठीक है। अगला है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग कंट्रोल, जो अनुलोम विलोम होता है, ठीक है। इसमें हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी हो जाती हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं और सांस को रोकते भी हैं प्राणायाम में। अब अगले चार स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। पांचवा है प्रत्याहारा। इसमें क्या होता है, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। बेसिकली हम जो है हमारी इंद्रियां जो है, हमारी सेंसेस जो है, वो हमें बहुत कंट्रोल करके रखती हैं, तो हम जो है उनको हावी ना होने दें अपने ऊपर और हमारी एनर्जी उनमें से निकाल ले और हम जो है अपने सेंस ऑर्गन पे खुद कंट्रोल करें अपने सेंस ऑर्गन को, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार, ठीक है। अगला है
धारणा यानी कि कंसंट्रेट, हम जो है किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लंबे टाइम तक फोकस करके रखें ताकि हमारा कंसंट्रेशन जो है वो हो जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम जैसे दीवार पे एक डॉट बना लें या फिर मोमबत्ती आगे रख लें 1 मीटर आगे और उसके बाद उसको उस पर ध्यान लगाएं, तो होते हैं धारण कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद होता है ध्यान यानी कि मेडिटेशन, इसमें हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तक, हाई लेवल ऑफ ज्ञान तक जा सकते हैं। अगला है 8वां स्टेप समाधि यानी कि एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, ये मतलब हम ध्यान लगाते लगाते इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हमारा जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये होती है अष्टांग योग, ठीक है। अगला हमें पढ़ना है योगिक क्रियाज यानी कि शतकर्मा। इस ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, हम जो है अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं, ऐसी क्लीनिंग टेक्निक होती है, इसको हम शतक्रिया बोलते हैं और ये जो है 6 नंबर्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम को क्लीन करने के लिए ये कुछ क्रिया होती हैं, ठीक है, थीके? जिससे कि हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, अच्छे से टेस्ट कर पाए, अच्छे से काम कर पाए, सोच पाए और अच्छे से एनहांस रखें अपनी बॉडी को, ठीक है। इसमें हम आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि हम जो है डिस्ट्रैक्शन, डिस्कम्फर्ट और थकावट से दूर रहें। अब वो छः कौन से तरीके जिससे हम अपनी बॉडी को साफ कर सकते हैं योगा की हेल्प से। फर्स्ट होता है कपालभाति, नेक्स्ट इज नीति जिसमें कि हम अपनी नाक के पैसेज को साफ कर सकें, तीसरा है त्राटक जिसमें हम अपनी आँखों की एक्सरसाइज कर पाए, चौथा है नौली, नौली में हम क्या करते हैं जो हमारे पेट के मसल्स हैं उसको हम अच्छा कर पाए, धोती मतलब कि हम अपनी इंटेस्टाइन को क्लीन कर सकें और वस्ती मतलब जो हमारा रेक्टम है उसको हम क्लीन कर पाए, ठीक है। तो पहला है कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है कि इसमें जो है हमारे ब्रेन सेल्स, हम अपने ब्रेन को प्योरीफाई कर सकते हैं। कैसे, कपाल मतलब होता है बेसिकली फॉरहेड हमारा और भाटी मतलब कि हमारा फॉरहेड शाइन करना, टू शाइन, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाओ, ओके, अपनी आंखें बंद कर लो, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लो, दोनों नॉस्ट्रल से, दोनों नाकों से अच्छे से सांस लो, अपने चेस्ट को एक्सपैंड करो, बाहर निकालो, फैला लो, उसके बाद सांस छोड़ दो फोर्सफुल तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और अपने एब्डोमेन के, पेट के मसल्स को रिलैक्स करो और उसके बाद जो है दोबारा से यही करो और फिर धीरे से पीसफुली तरीके से सांस लो। इसका क्या बेनिफिट होता है कि हमारी बॉडी में हीट आती है, टॉक्सिन और वेस्ट निकल जाते हैं, किडनी लीवर बढ़िया फंक्शन करते हैं, डार्क सर्कल जो आँखों के नीचे हो जाते हैं ना वो मिट जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है, डाइजेशन अच्छा होता है, उसके बाद वेट लॉस जो है उसमें भी हेल्प मिलती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हमारे अच्छे हो जाते हैं जैसे कि डायबिटीज पेशेंट को भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये और भी बहुत सारे बेनिफिट है वो आप याद कर सकते हो। हम आते हैं अगले पे नीति क्रिया। नीति क्रिया में क्या होता है, हम अपने नाक के रास्ते को साफ करते हैं, ठीक है। साइनस पे फोकस साइनस को भी हम अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, टॉक्सिन हट जाते हैं और जैसे नाक के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो करती है, हम प्राणायाम भी नाक से करते हैं तो वो नाक के जो रास्ता ब्लॉक हो रखा होता है वो नीति से साफ हो जाता है और हमारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं और हमारा अच्छे से एनर्जी फ्लो हो पाती है, ठीक है। नीति एक संस्कृत टर्म है जिसकी जो जड़ है वो ना और ती से आई है, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो नॉट सो होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नीति में 4 टाइप की नीति है। पहली होती है जल नीति। इसमें क्या होता है, एक मटका ले लेते हैं हम, उसके अंदर नमक वाला पानी डाल देते हैं और अपने हेड को ऐसे टिल्ट करके एक नाक में वो पानी डाल देते हैं और जो सॉल्ट वाटर है वो फिर दूसरी नाक से निकल जाता है, जिससे कि हमारे दोनों नाक जो है वो साफ हो जाती है। दूसरा होता है सूत्रा नीति। इसमें क्या होता है, एक धागा होता है जो हमारी एक नाक से निकाला जाता है और पहले उस धागे को ना रुई में रोल करते हैं, उसको एक बीज वैक्स में डिप कर देते हैं, उसके बाद एक नाक के थ्रू वो धागा जाता है और हमारे मुंह से निकाला जाता है। बेसिकली ये कोई एक योगी टीचर कर पाता है और उसको फिर ऐसे ऐसे मूव करते हैं ताकि जो है हमारी नोज जो है वो क्लीन हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसकी जगह हम एक सॉफ्ट रबर चार्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कैथेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सूत्रा नीति जो है वो ज़्यादा अच्छी टेक्निक है जल नीति से, मतलब जो अभी हमने जल नीति पढ़ी उससे ज़्यादा अच्छी सूत्रा नीति है, ठीक है। नेक्स्ट है दुग्धा नीति। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है ये जल नीति की तरह ही है, लेकिन इस बार जो नीति पॉट होता है ना, जो मटका होता है बेसिकली, उसके अंदर गर्म सा मिल्क रख दिया जाता है, उसके थ्रू हमारी नाक साफ होती है। चौथी है गृथा नीति। इसके अंदर क्या होता है, हम गरम घी से अपनी नाक साफ करते हैं, दोनों नोज में हम जो है गरम घी की ड्रॉप्स डाल लेते हैं जिसकी वजह से हमारी जो नाक का रास्ता है वो साफ हो जाता है। अगला है त्राटक, नाम से ही समझ में आ गया, आईज की एक्सरसाइज होती है ना।
और ये जो है त्राटक का मतलब होता है देखना, टू लुक और टू गेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम जो है एक कैंडल को 1 मीटर दूर रख देते हैं, उसकी फ्लेम के ऊपर हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, और जैसे मान लो अगर फोकस करते करते हमारे दिमाग में कुछ ख्याल आ जाते हैं तो उनको वहीं रोक के दोबारा से फोकस करने लग जाते हैं, और उसके बाद जब तक हमारे फोकस करते वक्त आँखों से आंसू नहीं आ जाते, पानी नहीं निकल आता, तब तक हमारा जो ध्यान है वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। अगर वो नहीं होता, मतलब कैंडल वाला सिस्टम नहीं हो पाता, तो आप किसी की कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख लो जिसकी आप पूजा करते हो, कोई फ्लावर रख लो, कोई मूर्ति रख लो, माउंटेन रख लो, राइजिंग सन या मून को देख लो, अच्छे से आँखों का फोकस बनना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी जो है तीसरी आँख खुल पाती है, जिसकी वजह से हमें ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिल पाती है ना। प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया, 1 मीटर दूर अपनी कैंडल को रख लो और उसके ऊपर आप जो है फ्लेम के ऊपर ध्यान रखो, कोई थॉट आए तो उसको एक्नॉलेज कर लो, उसके बाद दोबारा से फ्लेम के ऊपर मतलब ध्यान देने लग जाओ, फिर जब तक आपकी आंखों से पानी आना स्टार्ट नहीं हो जाता है, तो उसके बाद अपनी आंखों को क्लोज करो, और उसके बाद जो है आप अपने थर्ड आई की तरफ कंसंट्रेट करने लग जाओ, मेडिटेट भी करो, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट होता है, आई मसल ठीक हो जाती है, आईज प्योर हो जाती हैं, और आई डिसऑर्डर भी ठीक हो जाता है, जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी कि मतलब नींद ही ना आना, वो ठीक हो जाती है, और डिप्रेशन को ट्रीट करना, ठीक है, और उसके बाद अपने दिमाग को शांत करना, इमोशनल स्टेबिलिटी लाना, विल पावर जो बढ़ पाती है कि हाँ हम कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ जो है वो बेनिफिट होती है। नॉली क्या होती है, जिसके अंदर हम जो है अपने पेट के मसल्स को अच्छा रख पाते हैं, ठीक है, स्टमक एरिया को बेटर रख पाते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं, हालांकि ये इतना आसान नहीं है करना, स्पेशली स्टार्टिंग में, लेकिन अगर हमें आदत पड़ जाए तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होता है नॉली में, कि हम जो है खाली पेट हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो भी खड़े होके, ठीक है। इसमें हमें क्या होता है, पहले तो एकदम अच्छे से हमें एक्सहेल करना चाहिए, कंप्लीट ब्रीद आउट करना चाहिए, ताकि हमारे जो सेंट्रल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। इसकी वजह से जो कब्ज़ की दिक्कत होती है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कत होती है वो ठीक हो जाती है, हर डिसीज़ जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है, बीपी, हर्निया, जो अल्सर्स हो जाते हैं उससे भी हमें प्रॉब्लम मिल पाती है। और सुबह सुबह बॉबल मूवमेंट के बाद, फ्रेश होने के बाद हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसका क्या प्रोसीजर है, पहले तो ढंग से खड़े हो जाओ सीधे, और अपने लेग्स जो है दूर दूर कर लो, अपनी नीज़ को, अपने घुटनों को बेंड कर लो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद बहुत हिस की साउंड निकालते हुए फोर्सफुली एक्सहेल करो, मतलब सांस छोड़ो, जैसे कपाल भाटी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पेट को अंदर ले जाओ जब आप सांस छोड़ रहे हो, और उसके बाद बाहर लेके आओ, है ना। ये एक बेस पोजीशन है नॉली की। उसके बाद अपनी सांस रोक दो और अपने एब्डोमिनल मसल को एकदम मतलब आइसोलेट करके रखो, एकदम स्ट्रेट, मतलब बढ़िया सी पोजीशन में रखो, होल्ड कर लो पोजीशन को, और ये जो पोजीशन है पेट को होल्ड करने की, वो थोड़े टाइम तक रखो, कुछ सेकंड तक। उसके बाद आप दोबारा से सांस लो, और उसके बाद अपना क्रिया पोज जो है वो लूज़ कर दो, अब बेटर दोबारा से कंफर्टेबल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाओ, तो ये बेटर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन हेल्दी रहते हैं, स्टमक के मसल्स, डाइजेशन जो है वो भी बढ़िया रहता है, और वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज धोती। धोती जो है, जो हमारा फूड पाइप होता है ना, ईसोफेगस जिसको बोलते हैं, और स्टमक, इसकी प्योरिफिकेशन के लिए होता है। इस टेक्निक को हम गज कर्ण भी बोलते हैं, गज मतलब एलिफेंट होता है ना। और उसके बाद क्या होता है, व्हेन एन एलिफेंट, जब एक एलिफेंट नोजिया एक्सपीरियंस करता है, मतलब वॉमिटिंग एक्सपीरियंस करता है, तो उसकी ट्रंक जो है वो उसकी जो सूंड है उसके कहाँ पे चली जाती है, माउथ से लेकर स्टमक तक। तो यही धोती होता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लो किसी का पेट खराब हो जाता है और उसका वॉमिट का मन कर रहा होता है, उसे वॉमिट नहीं आती, तो क्या करता है, ऐसे नमक वाला पानी पी लेता है, और उसके बाद जो आपकी फिंगर्स होती हैं वो अपने जैसे हाथी ने किया, वो अपनी सूंड जो है ईसोफेगस और पेट तक ले गया, वैसे ही हम अपने जो फिंगर्स हैं उसको थ्रॉट तक लेके जाएं और फिर वो नमक वाला पानी बाहर निकाले, तो इससे क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, पेट है, ईसोफेगस है, वो सारा का सारा साफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसमें जल धोती भी होती है और कुंजल क्रिया भी होती है, ठीक है। जल धोती मैंने आपको बता ही दिया, 40 डिग्री पे थोड़ा गर्म पानी करो, उसके अंदर नमक डालो, उसके बाद ग्लास पे ग्लास पी जाओ, और अपने जो फिंगर्स होती हैं उसको थ्रॉट के अंदर लेके जाओ, और उसके बाद जो है उससे थोड़ा सा वॉमिट करने की कोशिश करो, और सारा पानी जो है आधे मिनट में ही बाहर आ जाएगा। और हर हफ्ते इसे कम से कम 2 बार करो, खाली पेट सुबह सुबह। तो इसके बेनिफिट क्या रहते हैं, हाई एसिडिटी,
एलर्जी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम जो है, और अगर किसी की हेल्थ बेकार रहती है तो वो भी सही होने लग जाएगी। लेकिन जिसको बीपी है वो इस एक्सरसाइज को ना करे। और वस्त्र धोती क्या होती है इसमें बेसिकली, जैसे उसमें तो हमने पानी लिया था गर्म पानी, लेकिन इसके अंदर जो है ना हम कपड़ा डालते हैं अपने अंदर ही माउथ के थ्रू, ठीक है। वो कपड़ा जो है वो 3 मीटर लेंथ में होना चाहिए और 10 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, कॉटन का कपड़ा होता है। और ये जो है योगा इन डेली लाइफ वाले टीचर की गाइडेंस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वस्ती क्या होता है? वस्ती इज बेसिकली जिसमें हमारा रेक्टम जो है वो क्लीन हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो मेडिकेटेड ऑयल होते हैं या फिर घी होता है उसको हम जो है वो उससे हम अपने कॉलन को और रेक्टम को क्लीन करने के लिए काम आता है। एक नोज़ल होती है जिसकी वजह से 4 to 6 inches की वो नोज़ल होती है, उसके अंदर ऑयल होता है और फिर जो है वो हमारे कॉलन के अंदर जाता है और उससे हमारा जो क्लीन होता है, मतलब उससे हमारा इनसाइड जो एरिया होता है वो क्लीन हो जाता है। और आयुर्वेदा में ये मेथड और ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो वेरियस डिसऑर्डर को ठीक कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम जो है आपने देखा होगा बेसिकली जो अनुलोम विलोम होता है वो इसी का पार्ट होता है, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है बेसिकली, है ना, जिसकी वजह से हमारी जो है काफ़ी सारी हेल्थ जो है वो काफ़ी ठीक रहती है, ठीक है। इसके अंदर ब्रीदिंग कंट्रोल, इसके अंदर रिदमिक ब्रीदिंग कंट्रोल होता है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर आप 5 या 6 मिनट या 10 मिनट भी अनुलोम विलोम कर लेते हो तो उसके बाद आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो ठीक होने लग जाती है ना। इसमें क्या होता है, अपनी जो राइट वाली नाक है उसे एक थंब से हमें क्लोज करना है और लेफ्ट वाली नाक से हमें ब्रीद इन करना है इस तरीके से। फिर उसके बाद हमें अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है और राइट वाली नोज से ब्रीद आउट करना है और उसके बाद दोबारा से रिपीट करो दूसरी साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट इज कपाल भाटी प्राणायाम। इसमें क्या होता है, हम जब सांस छोड़ते हैं ना तो फोर्सफुली छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनहेलेशन जब हम फोर्सफुली इस तरीके से छोड़ेंगे तो इनहेलेशन ऑटोमेटिकली अपने आप से हो जाएगा। इससे क्या होता है, स्टमक वाइब्रेट करता है, इन एंड आउट हो जाता है। अगला है भ्रमरी प्राणायाम। इसमें क्या होता है, एक्सहेलेशन जो है मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक गले से हवा आती है, ठीक है, क्लोज्ड ईयर से, मतलब अपने जो ईयर होते हैं वो ऐसे बंद करते हैं हम अंगूठे से, और थ्रोट से एक हमिंग साउंड आती है जैसे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है शीतली प्राणायाम। इसमें क्या होता है, हम अपने मुँह से ही इस तरीके से फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, टंग को रोल करते हैं ताकि हमारी बॉडी में एक कूल फीलिंग आ जाए। मेडिटेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल हो पाता है ना। अच्छा, अब हम जैसे योगा परफॉर्म करते हैं तो उससे हमारी स्ट्रेस काफ़ी अच्छे से मैनेज हो पाता है और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव बन पाता है। जैसे कभी भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, तो इससे हमारी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, चाहे वो हर्ट की हो, मसल्स की हो, और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, फिजिकली फिट रहते हैं हम। कोई भी स्पोर्ट्स कर ले, योगा कर ले तो हमारा स्ट्रेस बहुत अच्छे से मैनेज हो पाता है, माइंड और बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से उनका कनेक्शन हो जाता है योगा प्रैक्टिस करने से, तभी तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ब्रीदिंग टेक्निक जैसे योगा का पार्ट होती है तो उसकी लाइक प्राणायाम, तो उससे हमारी स्ट्रेस रिड्यूस होता है और माइंड भी काम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है योगा करने से, और नींद भी बहुत अच्छे तरीके से आती है जिसकी वजह से हम रिलैक्स हो पाते हैं और टेंशन भी हमारी मिट जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया है। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।